निर्भया के चारों दोषियों को 20 मार्च को फांसी होनी है, लेकिन उससे पहले निर्भया के चारों दोषियों में से एक दोषी मुकेश की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है और अपने पूर्व वकील पर आरोप लगा है कि उसको डराकर उससे क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई। अब हमारे साथ मुकेश के जो नए वकील एम एल शर्मा जी हैं वो हैं। शर्मा जी, आपने याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में मुकेश की तरफ से लगाई गई है उसमें आपने जिक्र किया है कि क्यूरेटिव पिटीशन के लिए मुकेश पर दबाव बनाया गया और उसी के खिलाफ अब फिर से आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दबाव नहीं बनाया, झूठ बोला गया उससे कि सेशन कोर्ट ने हमें ऑर्डर किया है तुम्हारे लिए कि तुम वकालतनामा साइन करो, पेपर साइन करो जिससे कि मैं क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करूँ। इस तरह उन्होंने मेरे को भी एक व्हाट्सएप भेजा था कि सेशन कोर्ट ने कहा है कि सारे डॉक्यूमेंट मैं आपसे ले लूँ और क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करूँ। वो मेरा व्हाट्सएप में रखा हुआ है सुरक्षित। जो मुकेश की वकील थी वृंदा गवर, वो कोर्ट की तरफ से मुहैया कराई गई थी, हमें क्यों रही थी वो? तो क्या ऐसा होता है जब किसी अपराधी का कोई वकील नहीं होता तो उसको कोर्ट अपनी ओर से एक एमिकस क्यूरी देता है। उसका काम सिर्फ इतना होता है कि वो कोर्ट को संबंधित इंफॉर्मेशन दे, लॉ का प्रोविजन बताए। उसको कोई भी अधिकार नहीं होता कि वो अभियुक्त से वकालतनामा ले और उसकी ओर से वकालत करे। उसके लिए मना होता है, वो सिर्फ कोर्ट के लिए होता है। लेकिन ये तिहाड़ जेल गई, वहां जाके इसने मुकेश और विनय दोनों से वकालतनामा लिया और ये कहा कि सेशन कोर्ट ने ऑर्डर किया करो, तो उन्होंने डर के मारे कर दिया। कोर्ट ने क्या समय होता है क्यूरेटिव पिटीशन दायर करना? आपने कहा कि समय था। हाँ, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने के लिए 3 साल का समय होता है। लिमिटेशन एक्ट 3 साल का प्रोविजन देता है, कहता है कि आप 3 साल तक क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। याचिका में क्या क्या लिखा? हमने यही कहा है कि क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने के लिए लिमिटेशन एक 3 साल का टाइम देता है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट भी कंपेल नहीं कर सकते कि आप 3 साल से पहले क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कीजिए, उसकी मर्जी। तो फिर आप उस प्रोविजन को बिना बताए डेथ वारंट इश्यू कराते हैं, तुरंत ही क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर देते हैं जिससे कि उसका 3 साल का पीरियड भी खत्म हो जाए, उसको फांसी पर चढ़ा दें। स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटिकल रीजन से सबको नहीं तो किसी एक या दो को फांसी पर चढ़ाना चाहती है। जब स्टेट गवर्नमेंट चाहती है उसके वकील भी नहीं बताते, वृंदा ग्रोवर भी उनसे मिलकर के कोर्ट को नहीं बताती, व्हाट इज दिस? ये बताइए कि अब जो आपने याचिका डाली है 20 मार्च को इन चारों को फांसी के लिए डेथ वारंट जारी हो चुका है, क्या उस पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, अगर कोर्ट एक्सेप्ट करती है, जस्टिस करती है मुकेश के लिए, तो निश्चित रूप से बहुत असर पड़ेगा। इसमें इन वकीलों के अगेंस्ट हमने प्रोसिक्यूशन भी मांगा है मुकेश की ओर से, मुकेश ने इन वकीलों के अगेंस्ट CBI इंक्वायरी भी मांगी है। 4 करोड़ रुपए जो निर्भया की मां को दिए हैं गवर्नमेंट ने, जिसने उस पैसे को यूज करके बार बार ये इनके केस को आगे बढ़ा रही है, लड़ रही है, कहती है तुरंत फांसी लगाओ, दूसरे वकीलों को भी पैसा दे रही है, AP सिंह को भी दे रही है, आनंद को भी दिया है पैसा, इन लोगों ने उसको क्रॉस तक नहीं किया ट्रायल में। मजे की बात ये, कोई एविडेंस नहीं आने दिए रिकॉर्ड के ऊपर। और अब यहाँ पे इन लोगों ने भी कोर्ट को नहीं बताया, AP सिंह ने, कि 3 साल का टाइम होता क्यूरेटिव पिटीशन का। तो ये क्या है आके? मुकेश की तरफ से अब जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है उसको देखना है कि सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को एक्सेप्ट करता है या फिर उसको खारिज करता है, और अगर ये याचिका एक्सेप्ट होती है तो 20 मार्च को जो फांसी का डेथ वारंट जारी हुआ है उस पर हो सकता है कि असर पड़े। कैमरामैन राजेश के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़ दिल्ली।